नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस्लाम इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को मानने वाले लगभग 57 ऐसे देश हैं जो कि खुद को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं और इन देशों के अंदर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है। दोस्तों, इंडोनेशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है, जिसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में मुस्लिम आबादी एवरेजली लगभग 25 से लेकर के 30 करोड़ के आसपास मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर मुस्लिम आबादी को अल्पसंख्यक माना जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत की दोहरी राजनीति को उजागर करता है। 57 के 57 मुस्लिम देश खुद को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं और इन देशों के अंदर इस्लामिक लॉ चलता है, जिसे शरिया लॉ के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का दोहरापन यहीं पर देखा जाता है। जितने भी इस्लामिक देश है, ये खुद को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं और ये अपने देश के अंदर शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान दूसरों देशों के अंदर खुद को पूरी तरह से सेकुलर कहते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि देश को हमेशा सेकुलर रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग भारत में देख सकते हैं। भारत में रहने वाले सभी मुस्लिम इस बात को कहते हैं कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, भारत को हमेशा ही एक सेकुलर देश बन करके रहना चाहिए। लेकिन जब बात मुस्लिम राष्ट्र की आती है तो यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है, बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों में रहने वाले मुसलमान जब उस देश के अंदर थोड़ी आबादी में होते हैं तो हमेशा इस बात की मांग करते हैं कि उस देश को सेकुलर राष्ट्र रहना चाहिए और देश का कोई भी धर्म नहीं रहना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब इन लोगों की मांग शरिया लॉ की हो जाती है और ये इस बात को कहते हैं कि वो हमेशा इस्लाम धर्म को ही फॉलो करेंगे। मुस्लिम लोगों का दोहरापन यहीं पर देखने को मिलता है कि जहां पर ये लोग बहुसंख्यक होते हैं वहां पर ये लोग शरिया लॉ या फिर इस्लामिक लॉ चलाते हैं, लेकिन जहां पर ये लोग अल्पसंख्यक होते हैं और थोड़ी आबादी में होते हैं वहां पर ये लोग सेकुलर राष्ट्र की मांग करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि ये जहां पर थोड़ी आबादी में होते हैं वहां पर ये लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए इस तरह की विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनकी मुख्य विचारधारा सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र की होती है। दोस्तों, आज दुनिया भर में जितने भी इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर कई तरह की पाबंदी होती है, यहां तक कि उनके पूजा घर भी बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि उन्हें अपने धर्म मानने की आजादी चाहिए और वो अपने धर्म की पूजा स्थलों को भी हमेशा हर जगह पर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस्लामिक राष्ट्र दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को अनुमति नहीं देता। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण दुबई में बना हिंदू मंदिर है, जिसके बाद ना जाने कितने इस्लामिक देशों ने इस बात की आलोचना की कि एक इस्लामिक देश के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन वहीं पर इन मुस्लिम राष्ट्र में रहने वाले लोगों को दूसरे देशों के अंदर मस्जिद चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का इस्लाम के मानने वाले लोगों के इस दोहरे चरित्र के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।